बुधवार को शहर के दिव्यांगों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम रोशन राय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि उनकी पेंशन 3000 प्रति माह की जाए, साथ ही बैटरी वाली ट्राई साइकिल और आवासीय योजनाओं के लाभ दिलाए जाए। साथ ही रात्रि के समय विश्राम के लिए रेन बसेरा की भी मांग की है, ताकि दिव्यांग यहाँ वहाँ न भटके। एक तरफ प्रशासन दिव्यांग शिविर लगाकर दिव्यांग जनों की समस्या सुनती है और निराकरण भी करती है, लेकिन शिविर में समस्याओं का समाधान सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसके चलते शहर के दिव्यांग जनों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी रोशन राय को तपती दोपहरी में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि दिव्यांग जनों की पेंशन 600 प्रति माह से बढ़ाकर 3000 की जाए, दिव्यांगता 40% से 100% कर बैटरी की ट्राई साइकिल प्रदान की जाए, जिससे उन्हें आने जाने में सुविधा हो सके। दिव्यांगजनों को अंत्योदय राशन कार्ड की योजनाओं से जोड़ा जाए, उन्हें प्रतिमाह 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण हो सके, वही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विदिशा पठारी से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, 5 सूत्रीय मांगे अपने ज्ञापन में दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोगों को जो 600 रुपये पेंशन मिल रही है, इस महंगाई के ज़माने में क्या होता है, 160-165 रुपये तो तेल है ना, आप देख ही रहे हैं महंगाई किस कदर बढ़ रही है। तो हम लोगों को पेंशन कम से कम 3000 रुपये की जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम लोगों को शासन की योजनाएँ तो सारी चल रही है, क्रियान्वित हैं, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन सर क्या है, जो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। कागजों में सारी योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ है, सब दिव्यांगों को 600 रुपये पेंशन मिल रही है, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का हमको लाभ दिया जाए, जिन पर मकान नहीं उनको मकान दिए जाए ना, हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। मैं एक किराने की दुकान पर काम करता हूँ, क्योंकि मैं 80% हैंडीकैप्ट हूँ, मैं 12 घंटे काम करता हूँ जब मुझको पैसा मिलता है। तो हम लोगों की उम्र 12 घंटे काम करने की नहीं, हमको कोई प्राइवेट कई मेले लगे, मैं तो क्या है 2-3 बार शिक्षा कर्मी का एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन डीएड ना होने के कारण, परीक्षा पास करने के कारण भी मेरी नौकरी नहीं लग पाई। तो बताइए दिव्यांग का आरक्षण कहाँ गया, कहाँ है ये चीज़। प्रशासन से अभी क्या मांग करी है आपने? प्रशासन से यही मांग की, हमने 5 सूत्रीय मांग दी थी कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, हमको रोकने के लिए रात में रैन बसेरा टाइप का इंतजाम किया जाए, कि हमारे विकलांग वहाँ आकर, दिव्यांग लोग, हमारे भाई लोग आकर वहाँ विश्राम करें, हमारा ही वर्कर रहेगा वहाँ, उसको जगह। महंगाई के दौर में इस फिर आप आपकी जो आजीविका है कैसे चल पा रही है? कुछ नहीं सर, हम लोग तो कोई भी मांगता है, कोई भुट्टे बेचता है, कोई किराने की दुकान पे काम करता है, मतलब अपने स्तर से अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारे नवलपाल हैं यहाँ पे, जो ट्रेन में मूँगफली बेचते थे, अब ट्रेन का कोरोना से उनका भी ख़त्म हो गया काम, तो वो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सब परेशान हैं, उन लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है शासन द्वारा, इसलिए हमने मुख्यमंत्री के नाम पे विज्ञापन दिया है। कुछ तो विकलांग आज कुछ एक्सीडेंट में भी खत्म हो चुके हैं, इधर उधर पड़े हैं, कोई स्टेशन कोई हॉस्पिटल में। क्या प्रमुख मांगे हैं जो आपने? ये प्रमुख हमारी 5 मांगे हैं कि जो हमारी संस्था के लिए जिंगा दी जाए, जिससे तो विकलांग वहाँ पर रुक सके, जो हॉस्पिटल में पड़े, कहीं स्टेशन पे पड़े, कहीं कहीं पड़े हैं, वो लोग रात विश्राम वहाँ पर कर सकें। दूसरी 40% से लेकर 100% तक के समस्त विकलांगों को जे बैटरी वाली ट्राई साइकिल दी जाए, जे वाली साइकिल है ना, खिंचती नहीं है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, काम वो दी जाए। और तीसरी मांग है का हम लोगों के सबके अंत्योदय वाले राशन कार्ड बनाए जाएं, जिससे 35 किलो अनाज मिले, को जो हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। चौथी मांग है का हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, 600 रुपये में कुछ भी नहीं हो रही है, इस महंगाई में है, किसी के चाय का खर्चा तक नहीं है, कोई बच्चे का, परिवार में बच्चे का दूध का खर्चा भी नहीं निकलता है। शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है? शासकीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपने कहा नहीं अधिकारियों से? अधिकारियों से तो अभी पहला विज्ञापन ही दिया है। ठीक है, दिव्यांग कल्याण एवं विकास परिषद शाखा गंज बासुदा की ओर से हमारे दिव्यांग भाइयों ने माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जो समस्याएं थी, 5 सूत्री ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में दिव्यांग व्यक्तियों को इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ रात रुकने की, इनको रैन बसेरे के लिए एक जगह की उपलब्धता कराने के संबंध में उन्होंने अपनी समस्या बताई है, जिसमें इनको यहीं तहसील के आसपास कोई जगह
ऐसी आवंटित कर दी जाए जिससे कि दिव्यांग व्यक्तियों के रात रुकने के लिए रैन बसेरा जो ज़िले में भी है हमारे तहसील स्तर पर भी उपलब्ध हो जिससे कि ये अपने रात वहाँ परेशान व्यक्ति बिता सके। दूसरी समस्या दिव्यांगों के संबंध में बैटरी मोटरेड ट्राईसाइकिल का की मांग की है, तो इसमें शासन का नियम तो 80% से अधिक दिव्यांगों के लिए मोटरेड ट्राईसाइकिल का प्रावधान है, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको तो प्रावधान है, अन्य जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको प्रावधान नहीं है, तो उनको अपने कुछ 10% राशि इनको जमा करना पड़ती है, उस राशि को ये जमा करने में सक्षम नहीं है। तो माननीय विधायक महोदय से भी इन्होंने निवेदन किया है, कुछ विधायक महोदय ने कुछ दिव्यांगों को राहत दी है और उन्होंने उनको मोटरेड ट्राईसाइकिल उपलब्ध भी कराई हैं और शासन से मांग है कि इनको इसको फ्री किया जाए। ठीक। तीसरी जो मांग है वो अंत्योदय राशन कार्ड जिससे कि इनका उदर पोषण ठीक से हो सके। चौथी मांग है इनकी 600 पेंशन से बढ़ाकर जो है 3000 पेंशन की जाए ताकि इनका अपना जीवन यापन हो सके। और समस्त दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए भी उन्होंने मांग की है, जो रोजगार के संबंध में उनका जो आरक्षण है 6% वो रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।